दोस्तों, उड़ीसा भारत का एक ऐसा इकलौता राज्य है जिसके जंगल में दुनिया के सबसे ज्यादा सांप पाए जाते हैं। दुनिया का सबसे जहरीला सांप किंग कोबरा भी अधिकतर उड़ीसा के जंगल में ही आप देख पाएंगे। कहते हैं कि किंग कोबरा के काटने के सिर्फ 15 मिनट बाद ही व्यक्ति मर जाता है। परंतु आजकल एक अनोखी ही घटना उड़ीसा में चर्चाओं में आई हुई है। दरअसल दोस्तों, यहाँ एक नाग रेलवे ट्रैक में आकर मर गया, फिर उसकी नागिन ने जो किया उसे देख आप भी हैरान रह जाओगी। इस घटना को सुनने से पहले जो भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दें। दोस्तों, ओडिशा के नादारामपुर में शालिनी नाम की एक लड़की अपने माँ बाप के साथ सरोदा नाम के गांव में रहती थी। शालिनी हर किसी की मदद के लिए हर समय तैयार रहती थी और किसी के भी साथ हो रहे अन्याय का वो विरोध करती थी। यही कारण था कि शालिनी के उसके कॉलेज में बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। एक बार बचपन में शालिनी करीब 8 साल की थी, तब वो अपने आंगन में दूध पी रही थी, परंतु अचानक उसके हाथ से दूध का गिलास छूट गया और दूध जमीन पर बिखर गया। वहीं शालिनी से कुछ दूरी पर झाड़ियों में स्थित एक नाग नागिन का जोड़ा उसे वहीं से देख रहा था। जमीन पर बिखरा दूध देख वो तुरंत शालिनी के पास आ गए और दूध पीने लगे। वहीं शालिनी उन नाग नागिन को देखकर डरने की बजाय बड़ा ही खुश होकर उन्हें देख रही थी। दोस्तों, उस दिन से वो हमेशा उस नाग नागिन के जोड़े के लिए अपने हिस्से का दूध एक कटोरी में भरकर उसे रख देती आंगन में, और वो नाग नागिन का जोड़ा आकर उस दूध को पी भी लेता। एक बार जब शालिनी अपने कुछ दोस्तों के साथ कॉलेज जा रही थी, तभी रास्ते में उसने 3 लड़कों को एक लड़की को परेशान करते हुए देखा। बाकी के स्टूडेंट्स वहां जो भी हो रहा था उसे देख नजरअंदाज कर आगे बढ़ रहे थे, परंतु शालिनी उसके सामने हो रहे दुराचार को देख सहन नहीं कर पाई और अपने दोस्तों के साथ कूद पड़ी उस लड़की को बचाने। उसने उन 3 लड़कों को जोरदार तमाचा मारा और उस लड़की को उनके चंगुल से बचा लिया। ये देख वहाँ लोगों की भीड़ सी उमड़ आई और लोग शालिनी के सपोर्ट में आ गए। उस समय वो 3 लड़के वहाँ से चुपचाप निकल गए, परंतु कॉलेज जाते वक्त शालिनी के एक दोस्त ने कहा कि तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि जिन लड़कों को तुमने मारा है उनमें से एक गांव के अमीर मुखिया का बेटा है और तुमसे जरूर वो बदला लेने की कोशिश करेगा। इस बात पर शालिनी हंस दी और बोली, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं फिर से उसका बुरा हाल कर दूंगी। दोस्तों, एक बार शालिनी को उसके एक्स्ट्रा क्लास के कारण कॉलेज में थोड़ी देर हो गई। उसके घर की तरफ होते हुए जाने वाले लगभग उसके सभी दोस्त जा चुके थे। वो उस दिन अकेले ही अपने घर की तरफ जा रही थी कि तभी बीच रास्ते में वही 3 लड़के जिनको शालिनी ने थप्पड़ मारा था उसका इंतजार करते हुए मिल गए। वो शालिनी से बदला लेने का इंतजार कर रहे थे और अब उन्हें बढ़िया मौका मिल चुका था। उन्होंने शालिनी को जबरदस्ती पकड़ लिया और रेलवे पटरी की दूसरी ओर सुनसान जंगल की तरफ ले जाने लगे। जैसे ही वो शालिनी को पकड़कर रेलवे ट्रैक के पास पहुंचे, तभी नाग नागिन का वही जोड़ा जिसे शालिनी दूध पिलाया करती थी अपना फन फैलाकर उन लड़कों के सामने खड़ा हो गया। कहते हैं कि आपके द्वारा की गई किसी भी तरह की कोई भी अच्छाई किसी न किसी तरीके से आपके पास लौट कर आ ही जाती है। ऐसा ही कुछ शालिनी के साथ हुआ। वो नाग नागिन का जोड़ा शालिनी को बचाने ही आया था। भयंकर फन फैलाए नाग नागिन के जोड़े को देख 3 लड़के डर गए और शालिनी को भागने का अच्छा खासा मौका मिल गया। वो खुद को बचाने के लिए अपने घर की ओर तेजी से भाग ली, परंतु उन लड़कों को नाग नागिन के जोड़े ने कहीं पर भी जाने नहीं दिया। परंतु तभी अचानक उनमें से एक लड़के ने बड़ा सा पत्थर उठाकर नाग के सर पर दे मारा और नाग तुरंत वहीं पर मर गया। और फिर वो लड़के उस नागिन को मारने दौड़ पड़े तो नागिन ने जंगल की तरफ भागकर अपनी जान बचाई, परंतु वो 3 लड़के गुस्से में थे। उन्होंने उस मरे हुए नाग को नहीं छोड़ा। उन्होंने ट्रेन की पटरी पर नाग के शरीर को डालकर ट्रेन के नीचे उसे कुचलवा दिया। नागिन दूर झाड़ियों में छुपकर ये सब देख रही थी। नागिन बहुत गुस्से में थी। जब वो लड़के अपने घर जा रहे थे तो नागिन भी उनके पीछे पीछे उनके घर की ओर चली गई। जब वो लड़के रात में 3 के 3 सो रहे थे, तब चुपके से उस नागिन ने उन 3 लड़कों को डस डस कर मार डाला और अपने नाग की मौत का बदला ले लिया। दोस्तों, इस तरह उस नाग ने खुद के प्राण देकर शालिनी को बचा लिया। किसी ने बहुत सही कहा है कि किसी भी जानवर से यदि तुम प्यार करो तो उसमें इंसान से भी ज्यादा वफादारी आ जाती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर से बताइएगा।
अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा लीजिए। महादेव शिव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूले। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।